वो हमारे वही बात महासचिव अगर हम हीरो बन जाते हैं नमस्कार, यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खबर है उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी अमेठी के सभी पदाधिकारी गण और कार्यकर्ता गण मौजूद रहे, जिसमें जिला सचिव अमेठी राजनारायण सोनी, राघवेंद्र सिंह, प्रशांत तिवारी, संतोष सिंह, शौर्य प्रताप सिंह, इत्तेफाक अहमद, सौरभ सरोज समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। राजा भैया के जन्मदिन को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता गणों में दिखा काफी उत्साह। अमेठी के यूथ कॉर्नर न्यूज संवाददाता अंकित अग्रहरी की विशेष रिपोर्ट। जन्मदिन का कार्यक्रम अमेठी के गौरीगंज और मुंशीगंज बाईपास मार्ग पर मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अमेठी के जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के जिला सचिव राजनारायण सोनी ने की। जन्मदिन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शीतला प्रसाद मिश्र ने अपने हाथों से केक काटकर राजा भैया का जन्मदिन कार्यकर्ता गणों के साथ मनाया। वैसे तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश के हर जिले में उनके जन्मदिन पर पार्टी के कार्यकर्ता गणों द्वारा आज उनका जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं बात करें अमेठी की, तो राजा भैया के जन्मदिन पर पार्टी के कार्यकर्ता गणों ने बेहतरीन तरीके से उनका जन्मदिन मनाया। खबर है उत्तर प्रदेश के वीआईपी जनपद अमेठी से, जहां पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का 52वां जन्मदिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केक काट कर काफी धूमधाम से मनाया। केक मतलब नीचे हूँ अपने कहीं फोटो बोला हटा जाए हो माची संकेत पहना भाई पसंद है। अरे आइए। अरे मंसूर भाई। अरे वो हमारे वही बात महासचिव आप पसंद सही हो कहिए ना अगर हम हीरो बन जाते हैं भैया आ जाइए आइए सभी लोग अरे इधर आ जाओ ना यार भैया जिस चीज की आवश्यकता हमें होगी वही तो हम करेंगे। ये दोनों एक मिनट भैया बोलिए ठीक ठीक चलो भाई सब लोग पकड़ लो ना इसको आओ आप ही चले आओ कहीं इतनी दूर आओ उधर है Happy birthday to you. Happy birthday to you. कुमार रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद जिंदाबाद अरे ले ना खाओ
राज भैया भैया राज आपको मैं यार बस बहुत बधाई के पात्र है। फिर से कटिंग करके बनाओ फिर राज भैया उधर से शुरुआत करिए। लेकिन चक्कू जो है नहीं, नहीं। ये फोटो ले वाले इधर आ गए उधर वाले का सब लोग चल भाई चाचा हमारे आदमी बहुत सहयोग किए हैं हमारा जो खड़े उनको भी बुला जा जा जाओ जाओ खिलाओ भैया राहुल भैया करेंगे सलाम काटा खिलाओ उस पे कायम होके अपनी पार्टी को मजबूत बनाने पे संकल्प लेके आगे बढ़ने में पार्टी को मजबूत योगदान देंगे। अंकित अग्रहरी, यूथ कॉर्नर न्यूज, अमेठी। आप देख रहे हैं इसमें हम मौजूद हैं अमेठी में, जहां पे आज जनसत्ता लोकतांत्रिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का 52वां जन्मदिन पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, उनसे अब बात करते हैं। सर आपका नाम? शीतला प्रसाद। सर आज यहाँ पे किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया है? आज आप रघुराज प्रताप सिंह का कौन सा जन्मदिन मनाया जा रहा है? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रघुराज प्रताप सिंह जी का 52वां जन्मदिन है और पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो जिले के पदाधिकारी हैं या जो पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, सब अलग अलग स्थानों पर अपनी स्वेच्छा से राजा भैया का जन्मदिन मना रहे हैं। उसी सिलसिले में यहाँ अमेठी के कार्यकर्ताओं की ओर से एक राजा भैया का जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम आयोजित था। इस कार्यक्रम में हम सब लोग भागीदारी ले रहे हैं। इस कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह से, बड़े गौरवपूर्ण तरीके से मनाया और राजा भैया को उनके यशस्वी जीवन, दीर्घ जीवन की शुभकामनाएं दी। साथ ही 2022 में जिस मिशन के साथ, जिस योजना के साथ वो पूरे प्रदेश में जन सेवा संकल्प यात्रा के माध्यम से जनता को जागृत करने और 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के साथ अपने संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की गई और आगे भी कार्यकर्ताओं ने मन बनाया है कि हम लोग जनता के बीच में जाकर उनके मिशन को कामयाब बनाने का प्रयास करें। 2022 विधानसभा सभा इलेक्शन काफ़ी नज़दीक आ रहा है, तो 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से आप लोगों की क्या तैयारियाँ चल रही है? देखिए, आपको जानकारी होगी अभी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष की 3 जनसेवा संकल्प यात्राएं शुरू हुई। पहली जनसेवा संकल्प यात्रा उनकी प्रतापगढ़ अपने उन घर से उन्होंने शुरू किया और भगवान श्री राम लला का दर्शन करके उस दिन समाप्त हुई थी। उस यात्रा के बारे में अखबारों में, टीवी में आपने देखा होगा कि जो उत्साह जनता के बीच में दिखा और जिस तरह की सफल यात्रा हुई, प्रदेश में इस तरह की यात्रा का अभी तक कोई उदाहरण नहीं मिलता। उसके बाद उनकी दूसरी यात्रा लखनऊ से झांसी की हुई,
उसमें भी सफलतापूर्वक कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह से, जनता ने पूरे उत्साह से उनका जगह जगह स्वागत किया, खैर मकदम किया। और अभी जो हाल ही में तीसरी यात्रा उनकी 26 और 27 अक्टूबर को संपन्न हुई, वो